नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पी एस टी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही, खुशखबरी निकल के आ रही, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, देख लीजिए दोस्तों। बिहार शिक्षा सातवां चरण बहाली, नई नियमावली 2023 संशोधन के बाद बिग अपडेट, शिक्षकों की भर्ती का ब्लू प्रिंट तैयार, नीतीश का साफ सुथरा बयान, आया अक्टूबर तक ज्वाइनिंग की पक्की खबर। तो दोस्तों इस वीडियो को सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो कि बीपीएससी के सचिव क्या बोल रहे हैं, कब फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, सिलेबस कब जारी किया जा रहा है, फाइनली कब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को आप ध्यान से देखिए। युद्ध स्तर से बीपीएससी तैयारी में जुटा हुआ है, ऐसे में बीपीएससी की तैयारी क्या है, सिलेबस कब जारी होगा, परीक्षा कब तक आयोजित हो सकती है, सीधी बातचीत करेंगे हम आयोग के सचिव, हमारे साथ हैं रवि भूषण सर। असमंजस में अभ्यर्थी अब भी हैं, क्योंकि सरकार ने तो घोषणा कर दी है 178,026 पदों पर बहाली होगी, लेकिन अब गेंद जो है आयोग के पाले में है, किस प्रकार की तैयारी? जैसा कि आप लोग अखबारों में भी आप सुन रहे हैं, सरकार का निर्णय जो है, सरकार की प्राथमिकता है कि शिक्षक की बहाली जितनी जल्दी हो, और इसके लिए हम लोग पहले भी उच्च स्तरीय बैठक भी किए हुए हैं, और कैसे एग्ज़ाम लेंगे और क्या कैसे विज्ञापन होगा वो हम लोग सब फ्रेम कर चुके हैं। जैसे ही हमको अधियाचना आती है तुरंत हम लोग उसका विज्ञापन का प्रारूप बनाए हुए हैं, उसका कैसे परीक्षा लेंगे, सारी योजनाबद्ध हो गई। जय अभी फाइनल जो कैबिनेट से मोहर लगी है सीटों को लेकर, तो जो रिक्तियां हैं रोस्टर के आधार पर आपके पास पहुंची है? अभी रोस्टर के अनुसार नहीं पहुंची है, जिलों से रोस्टर आना है और फिर एकीकृत करके विभाग मुझे देगा, उसके अनुसार से हम लोग वैकेंसी निकालेंगे, और जैसे ही वैकेंसी निकलेगी लगभग एक महीने का समय देंगे, और फिर एक महीना के जो फॉर्म भरने का हो उसके जस्ट एक महीना या डेढ़ महीने के अंदर में हम लोग परीक्षा ले लेने की स्थिति में है। मतलब जिस दिन आप विज्ञापन निकालेंगे उससे आप एक महीने तक समय देंगे आप फॉर्म भरने का? फॉर्म भरने का समय देते हैं जो यूजुअली सब में देते हैं, और तत्काल में हम लोग जो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है, केंद्रों का ये आवंटन करना वगैरह वगैरह जो है उसकी हम लोग पहले से कैलकुलेट कर लिए हैं कैसे क्या करना है, और जैसे ही हम लोग हो जाएगा युद्ध स्तर पर हम लोग इसकी कार्रवाई करेंगे। क्या लग रहा है, कोई टारगेट आप लोगों ने रखा है, कोई कैलेंडर इंटरनल जारी किया गया होगा कि आखिर विज्ञापन कब जारी करना है, परीक्षा कब लेनी है, रिजल्ट कब जारी करना है, और विभाग को फाइनल रिजल्ट हम कब सौंपेंगे? जैसे ही हमको अधियाचना आ जाती है, मेरा जो अनुमान है एक सप्ताह के अंदर में हम लोग फ्लोट कर देंगे विज्ञापन, और एक महीना के बाद जो मेरा जब फॉर्म ये हो जाएगा तो एक से डेढ़ महीना और लगेगा एग्ज़ाम लेने के लिए। जी, यानी ये माना जाए कि मई के आखिरी सप्ताह तक बीपीएससी विज्ञापन जारी कर सकता है? श्योर श्योर श्योर, हाँ, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता है तुरंत हमको आना ही आना है, जिस तरह से मुझे जानकारी मिल रही है। मई के आखिरी सप्ताह तक अगर विज्ञापन जारी करेंगे उसके बाद आप एक महीने तक आप फॉर्म भरने की तिथि रखेंगे, यानी 30 जून तक? हाँ, 30 जून तक, एक महीना तो अनुमान दिया जाता है हर एक। उसके आधार पर अगर देखा जाए तो जुलाई में आप इम्तिहान ले सकते हैं, जुलाई या अगस्त के पहले सप्ताह में। लेकिन ये भी तो चाहते होंगे ना कि फॉर्म भरने के बाद जो अभ्यर्थी हैं उन्हें तैयारी करने का भी मौका मिले? तो मौका तो सरकार ने घोषणा कर दिया है, अब लोग जो एलिजिबल हैं वो तैयारी करें अभी से, क्योंकि इसके लिए तो सिलेबस पहले भी प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर में जो रहता है, जनरल स्टडीज़ का पेपर्स लेंगे हम लोग प्रारंभिक शिक्षक के लिए, और उसके बाद जो 8 से 9 और हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के लिए, उसके लिए अलग अलग विषय का जो एग्ज़ाम होगा जनरल स्टडीज़ के साथ उन लोग का विषय का एग्जाम। हम चाहते हैं जो अभ्यर्थी हैं वो अभी जो देख पा रहे हैं वो समझ जाएं, समझने के लिए हम जरा ये पूछते हैं कि 1 to 5 का सिलेबस कैसा हो? 1 to 5 में हम लोग जनरल स्टडीज़ का ही, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का जो प्रश्न होता है, विषय नहीं रहेगा जी। 6 to 8 में क्या? 6 to 8 में जनरल स्टडीज और विषय रहेंगे, 9 to 10 में जनरल स्टडीज और उनका जो विषय जो ऑप्ट करते हैं वो विषय रहेगा, और उसी तरह से हायर सेकेंडरी में भी जनरल साइंस और विषय रहेगा। 1 to 5 के अलावा बाकी जो भी क्लासेस है उसके लिए जो बहाली होगी उनको जीएस के साथ सब्जेक्ट के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा? हाँ, सब्जेक्ट भी रहेंगे उसके जीएस के आधार पर।
सिलेबस एक बार फिर से बता देंगे, आपकी जो सिलेबस जारी होगा क्या ये नया पैटर्न होगा या इससे पहले बीपीएससी इस पैटर्न पर? जो पैटर्न पे हम लोग पहले जैसे एलिमेंट्री मैथ्स वगैरह रहेंगे, इंडियन हिस्ट्री रहेगा, नेशनल मूवमेंट रहेंगे, पॉलिटी पर प्रश्न रहेंगे, कुछ इकोनॉमिक्स पर प्रश्न रहेगा और करंट अफेयर्स से जो जनरल रहेगा। यानी जो प्रधान शिक्षक की जो बहाली हुई थी और उसके हेडमास्टर की जो बहाली हुई थी, जो प्रश्न पूछे गए थे सिलेबस, उसी टाइप से आप पूछे? हाँ, उसी टाइप वही विषयों पर पूछा हुबहू। हाँ, लगभग वही रहेगा और सब्जेक्ट का सिलेबस जो उन लोग का रहता है, स्टेट जो पात्रता परीक्षा होता है, उसी हिसाब से रहेगा। अभी तो अभ्यर्थियों के बीच में है कि प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर के सिलेबस पर अगर प्रश्न पूछे जाएंगे उस आधार पर, तो रिजल्ट का जो परसेंटेज है 3-4% ही पास हुए थे। पिछले बार नेगेटिव मार्किंग था, इस बार जैसा हम लोग प्लान कर रहे हैं नेगेटिव नहीं है। ये प्रॉफिट है। दूसरा सवाल ये है कि जो एग्ज़ाम है इसके बाद रिजल्ट का ड्यूरेशन क्या आपने रखा है? एक टारगेट होगा ना कि एग्ज़ाम के हम कितने दिनों बाद रिजल्ट जाने? निर्भर करता है लड़कों की संख्या पर। ऐसे अगर रिजल्ट जो हम लोग जनरली देखते हैं, जो डेट हम अनाउंस करते हैं, तो मुश्किल से 1-1.5 महीना के अंदर मैं आशा करता हूँ कि रिजल्ट जारी करूँगा। दूसरा ये है कि सिलेबस जो है बीपीएससी तैयार कर रहा है या शिक्षा विभाग का मंतव्य ले रहा है? बीपीएससी शिक्षा विभाग के मंतव्य से तैयार करेगा सहयोग के साथ। टारगेट कुछ रखा होगा ना आपने, चूंकि एक बड़ी तादाद में इस बार अभ्यर्थी जो है, चूंकि नियोजित शिक्षक और अभ्यर्थी दोनों इसमें शामिल होंगे, क्या टारगेट है, कितने लोग इसमें शामिल हो सकते? 3 से ऊपर है और बाकी जो है मुझे लगता है 1-1.5 लाख होगा, तो 4-5 के अंदर में होना चाहिए। 5 लाख तक आप टारगेट रखे हैं? टारगेट रखे हैं। सेंटर तो बढ़ाना पड़ेगा? हाँ, सेंटर तो हमारा जो कमीशन का जो कंबाइंड का सेंटर्स पूरे बिहार में रहता है, तो हम तो 800 सेंटर्स जिलों में, 38 जिलों में रखे हैं। हाँ, सभी जिलों में सेंटर रहेगा। एक और सवाल है कि जो अभ्यर्थी हैं, खासकर नियोजित टीचर और जो अभ्यर्थी सीटेट बीटेट एसटेट पास वाले, क्या उनका एग्जाम जो है एक ही दिन लेंगे या फिर अलग? नहीं, वो तो साथ लेना है, तो ओपन कंपटीशन है। जो नियोजित शिक्षक हैं या जो एसटीएट हैं, सभी के लिए सरकार ने एक नियमावली निर्धारित कर दिया है, सभी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया। दो रहेगा या एक रहेगा? दोनों एक ही विज्ञापन, एक ही विज्ञापन रहेगा। सीट में हकमारी तो नहीं? नहीं, सीट में यहाँ क्या हमारी, जब ओपन कंपटीशन है सभी को आना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है हर सेंटर में, तो हमारी होने का सवाल। उम्मीद करते हैं कि जो अभ्यर्थी शामिल होंगे उसमें पासिंग परसेंटेज बेहतर रहेगा। जरूर रहेगा, बेहतर जरूर रहेगा, क्योंकि पहले से अनाउंस हो गया है और लोगों को जो एस्पायरेंट है उनको तैयारी करना चाहिए और सफलता जरूर सबको मिलेगी। और नया इसमें तरकीब अपना रहे हैं बाकी, चूंकि बीपीएससी तो हर बार नया प्रयोग करता है? जो बीपीएससी का अभी तक जो पैटर्न है, जो हमारा एग्ज़ाम लेने का जो कंबाइंड में मेरा जो मानक है वही लागू होगा इसमें। बिल्कुल, तो हमारे साथ बीपीएससी के सचिव रवि भूषण थे, जिन्होंने हर प्रश्न का जवाब दिया है और क्लियर किया है। चूंकि जो अभ्यर्थी हैं या जो नियोजित टीचर हैं उनके बीच असमंजस की जो स्थिति बनी है, तो ऐसे में सचिव ने हर सवाल का जवाब दिया और बताया है कि आपको इन इन बिंदुओं पर जो है ध्यान रखना है। यानी आप समझ सकते हैं, जो इससे पहले हेडमास्टर या फिर जो प्रधान शिक्षक की जो बहाली हुई थी, यानी उनका जो सिलेबस था उससे काफ़ी मिलता जुलता जो शिक्षक हैं उनका भी सिलेबस होगा, और सिलेबस भी जो है बहुत जल्द जारी किया जाएगा। यानी आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बीपीएससी भी तैयारी में जुट गया है। यानी मई के आखिरी सप्ताह तक बीपीएससी विज्ञापन जारी कर सकता है। 1 महीने आपको मौका दिए जाएंगे फॉर्म भरने का, त्रुटि सुधारने का, और उसके बाद ठीक 1.5 महीने के अंदर जो है बीपीएससी इम्तिहान भी ले सकता है। तो तमाम तैयारी देख लिए दोस्तों, वीडियो बीपीएससी के सचिव ने पूरी जानकारी बता दी है कि कब नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, विज्ञापन कब जारी किया जा रहा है, कितने समय आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा, फॉर्म त्रुटि के लिए कितना समय दिया जाएगा, एग्जाम कब होगा और फाइनली ज्वाइनिंग कब होगी, उसके बाद सिलेबस क्या क्या रहने वाले हैं, सारी जानकारी 1x1 करके बीपीएससी के सचिव ने बताए हैं बिहार में 7वें चरण शिक्षक बहाली की रिगार्डिंग।
तो आई होप कि इस वीडियो में समझ गए होंगे जो कब एग्जाम होगा, सिलेबस क्या क्या रहने वाले हैं और कब आपको समय दिया जाएगा, कितने समय दिया जाएगा तैयारी करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, और एग्जाम कब होगा, फाइनली ज्वाइनिंग कब होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। जैसे ही बिहार में सातवें चरण शिक्षक बहाली के रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगा, वो शिक्षा विभाग से या बीपीएससी की तरफ से वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, जितना भी सोशल मीडिया उस पर दबा के शेयर कीजिए। थैंक यू।